5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। इस जो याद क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से बोला है कि इस ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो ये बताने के लिए, बताने से पहले हमें तो इसको बनाना होगा, कि बनाने के बाद जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो पहले इसको सॉल्व करके देखिए कि कितना आंसर आ रहा है, तब तो बताएंगे ना कि कौन इसमें से सही है। डायरेक्ट तो हम मार नहीं पाएंगे ऑप्शन कि कौन सही है, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 10, 7, 4 का तीसवां पद है, तीसवां पद इसमें से कौन है। तो तीसवां पद निकालना है ना, यानी 31 निकालना है। तीसवां पद यानी 31 का बोल रहा है कि तीसवां पद ज्ञात कीजिए, यानी 31 निकालना है। 31 बराबर कितना होगा? तो 31 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि आपके पास क्या क्या है। देखिए ए बराबर आपके पास है कितना, 10 है, ठीक है, और ए टू बराबर भी है कितना है, 7 है, ए थ्री बराबर भी है आपके पास, 4 है। आप 3 लिखिए या तो ना लिखिए, 3 का ऐसे भी काम नहीं है। और निकालना क्या है, 31, 31 बराबर कितना होगा, 31 निकालना है ना। तो 31 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 31 निकालेंगे, जब हम 31 निकालेंगे, 31 बराबर तो ए प्लस कितना, 29 गो डी चाहिए, 29 डी चाहिए ना, 29 और डी होता है इसका अपना, ए प्लस 29 डी, यानी हमें एक डी आवश्यकता है। डी तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि डी का वैल्यू कितना है, तब तो यहाँ पे भरेंगे ना। तो पहले हम डी निकालेंगे, डी देखिए कैसे निकलता है। तो डी इज इक्वल टू, निकालने के लिए ए टू में से ए वन को माइनस किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू ए टू कितना आपके पास है, 7 में से आप माइनस कीजिए 10, तो डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -3, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो अब क्या करेंगे कि 31 निकालेंगे, 31 तो 31 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए 31 बराबर का फॉर्मूला होता है ए प्लस 29 डी होता है ना। तो 31 इक्वल टू ए कितना आपके पास है, 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू रखिए, -3। तो 31 इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब जब इसको 29 इंटू माइनस 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, -87 आएगा। तो 31 इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -77 आएगा ना। तो 31 इक्वल टू कितना आया, -77। तो मेरा ऑप्शन ये वाला सही है, ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे निकलेगा, देखिए अगला क्वेश्चन। फिर आपके पास एक एपी दिया है, सेकेंड क्वेश्चन एपी दिया हुआ है, कितना दिया है, एक है -3, -1/2, -2... का 11वां पद है, 11वां पद है इसका। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पहला ऑप्शन है इसका 28, दूसरा ऑप्शन है इसका 22, तीसरा ऑप्शन इसका है -38, चौथा ऑप्शन इसका है -48, 1/2। तो इसको एपी दिया है यहाँ के, एपी -3, -1/2 का 11वां पद है, 11वां पद इसमें से कौन है आपको बताना है। तो सबसे पहले 11वां पद निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, डी जरूरत है, बिना डी के तो 11 पद निकलेगा नहीं,
डी निकालने के लिए देखिए ना, ग्यारहवां पद जैसे वो भी तीसवां पद निकाले ना, उसी प्रकार ग्यारहवां पद भी निकालेंगे। तो ए बराबर आपके पास कितना दिया है, माइनस थ्री, ए टू कितना है आपके पास है, माइनस वन बाई टू, और देखिए ए दू और ए थ्री कितना आपके पास है, टू है, और ए ग्यारह निकालना है, ए ग्यारह इजक्ल टू वाट। तो सबसे पहले डी निकालिए, डी इजक्ल टू ए टू में से ए वन को माइनस कीजिए, तो डी इजक्ल टू ए टू कितना है, माइनस वन बाई टू माइनस यहाँ पे है माइनस थ्री, डी इजक्ल टू माइनस वन बाई टू प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस थ्री, फिर एलसीएम लेंगे डी, तो एलसीएम होगा टू, यहाँ पे होगा माइनस वन प्लस सिक्स हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, डी इजक्ल टू आ जाएगा कितना, पाँच बटा दो, डी का वैल्यू आ गया पाँच बटा दो। तो अब निकालेंगे ग्यारह, ग्यारहवां पद ना, तो ए ग्यारह निकालना है, ये वाला निकालेंगे, ए प्लस का फॉर्मूला कितना होगा, दस डी होता है, तो ए ग्यारह इजक्ल टू ए कितना है आपके पास, माइनस थ्री प्लस, माइनस थ्री प्लस दस इंटू डी, डी आपके पास है पाँच बटा दो, तो ए ग्यारह इजक्ल टू माइनस थ्री प्लस इकटेगा दो से, तो पाँच बार में दिया जाएगा पच्चीस, तो ए ग्यारह इजक्ल टू पच्चीस में से तीन खर्च बाईस, बाईस, तो ए ग्यारह आपके पास कितना है, ये देखिए है इसका, ये आंसर होगा बाईस, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सही है ना, ऑप्शन बाईस। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।